हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे और दिल से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी प्यारी दुलारी न्यारी सी छवि। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझसे जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे सब्सक्राइब कर दे, बाजू में एक बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कर दे। उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। इसलिए बेल आइकॉन को क्लिक करना बहुत जरूरी है, उसमें भी ऑल के ऊपर। दोस्तों, ऐसे थंबनेल और टाइटल देख के तो आज आपको समझ में आ ही गया है कि आज मैं आप सबके साथ कौन से टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ। यस 100% आज मैं आप सबके साथ बात करने वाली हूँ कि अगर आपकी उम्र 50 साल की है या फिर 50 साल से ज्यादा की है तो आपके आपको कौन से स्किन केयर की आवश्यकता है, आपको कौन से क्रीम की आवश्यकता है, आपको कौन से सीरम की आवश्यकता है, आपको कौन से फेस वॉश की आवश्यकता है, आपको कौन से टोनर की आवश्यकता है, सब कुछ बताने वाली हूँ। साथ ही साथ आज मैं आप सबके साथ प्लस 50 में एक ऐसा फेस पैक भी बताने वाली हूँ जिसके इस्तेमाल से आप अपनी स्किन को दिनों दिन और भी ज्यादा ग्लोइंग, ब्राइट और खूबसूरत बना सकते हो। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं और सुपर से भी ऊपर वाले इस वीडियो को शुरू करते हुए सबसे पहले मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि जो हमारे स्किन का सबसे बेसिक चीज होता है वो होता है क्लींजर, जो हमारे स्किन को क्लीन करने का काम करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 50 प्लस के आप हो और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको मैं सबसे पहले बोल दूं कि आप बहुत लकी हैं कि अगर आप 50 प्लस के हैं, आप बहुत लकी हैं। आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस और आपकी स्किन के ऊपर एजिंग के जो साइन है वो थोड़े से कम आएंगे जिनकी स्किन ड्राई और सेंसिटिव है उनके मुकाबले, ठीक है। बट ये सुन करके बहुत ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको भी आपके स्किन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना, कैसे रखना है वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई और सेंसिटिव है तो आपको एक बात का ध्यान हमेशा रखना है कि कोई भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के पहले आपको पैच टेस्ट करना चाहिए। अगर आपकी स्किन ड्राई और सेंसिटिव है तो पहले पैच टेस्ट करें, उसके बाद ही अपने पूरे चेहरे के ऊपर आप किसी भी प्रोडक्ट को लगाएं अगर आपकी स्किन ड्राई और सेंसिटिव है तो। नहीं तो आपकी स्किन जो है सो की रेड हो जाने वाली है, आपकी स्किन डैमेज हो जाने वाली है। इसलिए अगर ड्राई और सेंसिटिव स्किन है तो प्लीज आपको बिना विदाउट पैच टेस्ट किए हुए किसी भी चीज को अपने पूरे चेहरे के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए, बेसिक तो आपको मैं बता चुकी हूँ, अब स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला कि क्लींजर कौन सा लेना चाहिए, हमारी 50 प्लस के लिए बेस्ट क्लींजर कौन सा होता है। तो मैं लास्ट आपको वीडियो में ही बताई थी कि जो 40 प्लस के बाद से ही आपको जो है माइल्ड क्लींजर का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप फोम वाला इस्तेमाल करते हो तो सबसे पहले जो है वो फोम वाले क्लींजर का इस्तेमाल कम कर देना चाहिए क्योंकि उसमें झाग बहुत ज्यादा बनता है जो कि आपकी स्किन को और भी ज्यादा ड्राई कर देता है। तो आप कोई भी जेंटल क्लींजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तो जैसे कि आप सीटाफिल ले सकते हो, बहुत सारे ब्रांड है मार्केट में, आप कोई भी ब्रांड का आप जो है सो कि फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हो। बट आप उस ब्रांड का इस्तेमाल ना करें कि जिसमें कोई भी ऐसा प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें जिससे अगर आप फेस को वॉश करते हैं तो आपकी स्किन और भी ज्यादा आपको ड्राई और रफ दिखती है, तो उस फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वैसे अगर आप 50 प्लस हैं तो आज मैं आप सबके साथ एक ऐसा DIY फेस वॉश बताती हूँ जिसके इस्तेमाल से आपकी स्किन हमेशा खूबसूरत और ग्लोइंग बनी रहेगी और आप हमेशा मीन्स खूबसूरत स्किन की मालकिन या फिर मालिक हो सकते हो। तो बहुत बेहतरीन होता है, आफ्टर 50 आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे बाथरूम में तो भाई हमेशा बना करके रखा रहता है, एक जार में आप इसको बना करके। तो दोस्तों, इस DIY फेस वॉश को बनाने के लिए जो आपको लेना है फर्स्ट इंग्रेडिएंट वो लेना है ग्राम फ्लावर यानी कि बेसन। बेसन अगर आप लेते हो 50 ग्राम तो इसके अंदर आपको सेकेंड इंग्रेडिएंट ऐड करना है, वो ऐड करना है आपको राइस फ्लावर और राइस फ्लावर आपको ऐड करना है 25 ग्राम, यानी 50 ग्राम और 25 ग्राम, हाफ आपको हाफ क्वांटिटी में आपको ले लेना है राइस फ्लावर। थर्ड जो इंग्रेडिएंट आपको इसके अंदर ऐड करना है वो ऐड करना है मसूर दाल पाउडर, और मसूर दाल पाउडर आपको ले लेना है 50 ग्राम। जैसे मैं अमाउंट में आपको बोली हूँ उस अमाउंट में आपको इसे मिक्स करना है और इसको एक जार में बंद करके आपको बाथरूम के अंदर डाल देना है। अच्छे से मिक्स कर ले और बाथरूम के अंदर डाल दे। जब भी आपको फेस वॉश करना हो तो या तो आप मार्केट वाले फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी आपका फेवरेट फेस वॉश हो उससे आप इस्तेमाल कर सकते हो,
बट आप जेंटल क्लिंजर का ही इस्तेमाल करें, बहुत ज्यादा झाग वाले क्लिंजर का इस्तेमाल नहीं करें। वंस अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, या फिर इस डीआईवाई वाले फेस वॉश से भी आप फेस को वॉश कर सकते हैं। ले थोड़ा पाम में ले, थोड़ा पानी ले, थोड़ा मिक्स करें और अपने पूरे फेस को आप वॉश कर ले। तो ये हो गया क्लिंजर। अब बात कर लेते हैं दूसरी बात कि भैया स्क्रबिंग भी बहुत आवश्यकता होती है। आफ्टर 50 जो है आपकी स्किन जो है ना वो डल होने लगती है, उतना मीन्स आपके जो सेल होते हैं उतने एक्टिव नहीं होते हैं, जिसके कारण ही आपकी स्किन सैगी और फाइन लाइन रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं। तो बहुत वो खुद से आपकी स्किन एक्सफोलिएट वगैरह नहीं करती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्किन को एक्सफोलिएट करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, कोई अच्छा सा स्क्रब आपको लेना है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो हफ्ते में 2 बार आपको स्क्रब करना है, ये बहुत जरूरी है। और इस रूटीन को आप एकदम से इग्नोर नहीं कर सकते हो। जैसे क्लींजर बहुत जरूरी होता है, हिस्सा होता है, वैसे ही स्क्रबिंग भी बहुत मीन्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हिस्सा होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो स्क्रब अगर आपकी ऑयली स्किन है तो हफ्ते में 2 बार, और अगर आपकी ड्राई और सेंसिटिव स्किन है तो वीक में 1 बार आपको स्क्रब का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछते हो तो जो ये फेस वॉश मैं बताई हूँ ये बेस्ट स्क्रब का भी काम करता है और बेस्ट फेस वॉश का भी काम करता है। अगर आप बना करके रख दिए हो तो आप एज अ फेस स्क्रब इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तकरीबन 30 सेकेंड या फिर 50 सेकेंड के लिए आप मसाज करें और उसके बाद अगर आप फेस को वॉश कर लेते हैं तो स्क्रब का भी काम करता है। और अगर एज अ फेस वॉश इस्तेमाल करना है तो पाम में लेना है, बस हल्का सा यूं घुमाना है और फेस को वॉश कर ले तो ये फेस वॉश का काम करता है। ऐसा होता है कि जिनको नई डीआईवाई पे नहीं भरोसा होता है, उनके मार्केट वाला ही चाहिए, तो मैं आपको आफ्टर 50 अगर आप मुझसे पूछते हो तो आप ममा अर्थ के उपटन रेंज का इस्तेमाल कर सकते हो। उपटन जो उसका जो फेस वॉश है उसके अंदर बहुत माइल्ड जो है वो स्क्रब का भी काम, मीन्स बहुत माइल्ड पार्टिकल्स होते हैं स्क्रब का, जो कि आपकी स्किन को हार्म भी नहीं करता है और एकदम इजिली जो है ना बहुत स्मूथली आपकी स्किन को एक्सफोलिएट कर देता है और आपके चेहरे से ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को हटा देता है। तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप अपने पसंद का कोई भी स्क्रब का इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में जाएं, देखें कि आपको कौन सा स्क्रब चाहिए और उस स्क्रब का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि भैया थर्ड नंबर पे क्या आता है, तो मैं आपको बता दूं अगर आप प्लस 50 हो गए हैं तो आपके लिए सीरम बहुत 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 इंपॉर्टेंट रखता है। सीरम का इस्तेमाल जरूर करना है आपको, क्योंकि आपकी स्किन आफ्टर 50 आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। जिनकी स्किन ऑयली है उनमें भी आप देखोगे कि उनके भी चेहरे के ऊपर थोड़ा बहुत ड्राइनेस आ जाता है और यही ड्राइनेस जो है आपके चेहरे के ऊपर फाइन लाइन रिंकल्स जो है वो लाने शुरू कर देते हैं। तो आफ्टर 50 आपको ऐसे सीरम का इस्तेमाल करना है जिसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड हो। तो अगर आप हाइलुरोनिक एसिड वाले मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं तो आप देख सकते हैं कि आपकी स्किन को कौन सा सूट करेगा और आपके बजट में कौन सा है, उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। बट अगर आप मुझसे पूछते हो तो आप लॉरियल के हाइलुरोनिक जो सीरम है उसके साथ जा सकते हो, पॉकेट फ्रेंडली भी है, बजट में भी है और आपकी स्किन के लिए बहुत 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 बेहतरीन है। तो आप 2 बार इस्तेमाल करना है। उसके बाद जो दोस्तों इसमें फोर्थ स्टेप आता है वो आता है आपको अच्छा सा मॉइस्चराइजर का, कि कौन सा अच्छा सा मॉइस्चराइजर आपकी स्किन के लिए सही रहने वाला है। तो आफ्टर 50 आपके लिए हाइलुरोनिक एसिड बहुत 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 इंपॉर्टेंट रखता है। सीरम में भी हाइलुरोनिक एसिड मीन्स खोज करके ले, और जो फेस मॉइस्चराइजर लेते हैं उसमें भी आप हाइलुरोनिक एसिड ही सोच करके ले। जहां तक क्रीम की बात करते हो तो वो है कि कौन सा मॉइस्चराइजर हमारे स्किन के लिए सही रहेगा, कौन सा क्रीम हमारे स्किन के लिए सही रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी आप ऐसा क्रीम का इस्तेमाल करें जो कि आपकी स्किन को बहुत ज्यादा हाइड्रेट रखे, आपकी स्किन को बहुत ज्यादा सॉफ्ट रखे, सपल रखे, साथ ही साथ आपके फाइन लाइन रिंकल्स के ऊपर काम करे, अगर आपकी जॉ लाइन सैगी होते जा रही है उसके ऊपर काम करे। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है, अगर आपका बजट अलाउ करता है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है, आपके लिए सबसे बेस्ट आफ्टर 50 अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लोइंग और ब्राइट लगे और फाइन लाइन रिंकल्स आपके चेहरे के ऊपर बहुत कम दिखे, तो सबसे बेस्ट है आपको सौंदर्या रेडियंस क्रीम
विथ 24 कैरेट गोल्ड, आपको इसके अंदर 24 कैरेट गोल्ड मिल जाता है विथ SPF 25। तो ये बेस्ट है, इसका प्राइस आपको 6000 के करीब में आ जाता है, लेकिन बहुत बेस्ट है। 6000 के करीब में जो प्राइस आता है आपको 50 ml में आता है, बट आप 30 ml जाते हैं तो इसका हाफ कर दीजिए, 3000 रुपए में आपको 30 ml समथिंग कुछ ऐसे ही है जो है सो कि आपको आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो एक महीने ही चलता है, वो आराम से दो महीने तो चल ही जाता है, क्योंकि तो बहुत थोड़ा सा ही क्वांटिटी में वो लगता है, नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो सेकेंड क्रीम में अगर आप मुझसे पूछते हो तो के अंदर आप जाते हैं तो ओले में भी बहुत सारे रेंज है, हाइलुरोनिक एसिड रेंज है, उसके साथ आप जा सकते हैं। अगर आप ओले भी नहीं खरीदना चाहते या फिर ओले आपको सूट नहीं करता है, तो आपको जो सूट करता है, जो आपका पॉकेट अलाउ करता है, उसके हिसाब से आप परचेज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सनस्क्रीन का, कि बेस्ट सनस्क्रीन कौन सा होने वाला है। तो आप उससे पूछते हो कि +50 या फिर +40 या फिर +30 या फिर +20 बेस्ट सनस्क्रीन कौन सा है, तो मैं कहूंगी न्यूट्रीजीना। न्यूट्रीजीना से बेस्ट सनस्क्रीन कोई है ही नहीं। ये आपकी स्किन के ऊपर व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता है, व्हाइट पैच जो है वो नहीं छोड़ता है, जिससे आपकी स्किन बहुत ज्यादा भारी भारी सी नहीं लगती है। चाहे आपकी स्किन टाइप कोई भी हो, सारे स्किन टाइप्स को जाता है, इसमें बहुत सारे आते हैं, तो आप देख लीजिए कि आपकी स्किन के लिए कौन सा सही है। लेकिन बेस्ट अगर सनस्क्रीन बोलते हो तो आज के डेट में मुझे सबसे बेस्ट जो है वो न्यूट्रीजीना ही लगता है। दूसरा अगर आप मुझसे पूछते हो तो मेरी बेटी 4 साल से इस्तेमाल कर रही है सनस्क्रीन, वो है ममा अर्थ का, वो भी बहुत अच्छा है। तो आप चाहें तो इसके साथ या फिर आप चाहे तो इसके साथ जा सकते हो, या फिर अगर आपके पास कोई और भी सनस्क्रीन है जो आप इस्तेमाल करते थे और आज के दिन भी आप करते हो तो अच्छा फील करते हो, आप चाहे तो उसके साथ भी जा सकते, कोई टेंशन की बात नहीं है। सनस्क्रीन में इतना सरदर्द लेने की आवश्यकता नहीं है कि क्या है और क्या नहीं है, बट आपको जो क्रीम सीरम सब मैं बताई हूं उसका इस्तेमाल आपको जरूर करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, आज मैं आप सबके साथ एक ऐसा फेस पैक शेयर कर रही हूं दोस्तों, जो कि +50 के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, आपकी रंगत को कम नहीं होने देता है, प्लस आपके स्किन में जो कोलेजन की कमी हो जाती है ना +50, जिससे आपकी जॉलाइन की स्किन लूज लगने लगती है, उन सब की परेशानी से आपको बहुत हद तक राहत मिलता है। दोस्तों आफ्टर 50 मैं आप सबके साथ डाइट भी शेयर करने वाली हूँ कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, बहुत जल्द उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर के आने वाली हूँ। बट आफ्टर 50 अगर बेस्ट अगर कोई आप बोलते हो कि फेस पैक कौन सा है, तो मैं आपको कहूंगी 2 फेस पैक। एक फेस पैक है फ्लक्सीड के फेस पैक, अगर आप मेरे नेचुरल ब्यूटी विद छवि चैनल पे जाते हो तो फ्लक्सीड से रिलेटेड आपको बहुत सारे फेस पैक मिल जाएंगे, उसको जाकर के आप देखें, आपको जो भी बेस्ट लगता है, जो भी आपको लगता है कि इजी है और मैं इसको बना सकती हूँ लगा सकती हूँ, आप उसको लगा सकते हैं और बना सकते हैं। दूसरा जो है आपको फ्लक्सीड के अलावा अगर दूसरा कोई है जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है +50, एक्चुअली 3 है, दूसरा जो है वो एलमंड पैक है, वो भी मैं बहुत सारे बना चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। बट अगर सबसे इजी अगर आप बोलोगे कि और सबसे इजीली सारे सीजन में मिलने वाला, ज्यादा कॉस्टली नहीं है, हम सब अफोर्ड कर सकते हैं, हमारे पॉकेट के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं देने वाला है, चाहे आप कितना भी प्रेशर में क्यों ना हो कि भैया नहीं मैं इतना नहीं अफोर्ड कर सकती, ये नहीं कर सकती, आप फिर भी इसको आप अफोर्ड कर सकते हो, वो है पपाया, यानी कि पपीता। बेस्ट कोलेजन बूस्टर होता है, बेस्ट स्किन व्हाइटनिंग होता है, बेस्ट स्किन ब्राइटनिंग होता है। आपके पास अगर कुछ नहीं है दोस्तों, ना मुल्तानी मिट्टी है, ना दिस है, ना डैट है, कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सिंपल एक पपाया अगर आप लेते हैं, उसको कट करते हैं, उसका छिलका हटाते हैं, उसको पील करते हैं, कट करते हैं, ग्राइंडर में ग्राइंड करते हैं, और सिर्फ अगर पपाया डेली अगर आप, यानी कि पपीता अगर आप सिर्फ अपने चेहरे के ऊपर डेली एक मतलब 30 सेकेंड टू 1 मिनट के लिए मसाज करके, उसको अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड करने के बाद मसाज करके और उसको अपने चेहरे के ऊपर 20 मिनट के लिए लगा छोड़ देते हैं, और उसके बाद अगर ठंडे पानी से धो लेते हैं, गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों, गुनगुने पानी के इस्तेमाल से हमारी स्किन थोड़ी और लूज हो जाती है, इसलिए हम ठंडे पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, आपकी स्किन टाइट रहती है। तो और फेस को अगर आप वॉश कर देते हैं, यकीन करें सिर्फ 7 दिन में आपको आपकी स्किन के ऊपर फर्क दिखेगा। तो अगर आप 50 प्लस हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन हमेशा ग्लोइंग और ब्राइट रहे, तो आपको
ले लेना है पपाया, तो एक तो सिंपल मैं आपको बता दूं कुछ नहीं है तो आप वैसे कर सकते हैं, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ले लेंगे पपाया यानी कि पपीता, उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर देंगे, और उसके बाद इसके अंदर जो सेकेंड इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे वो है हनी। हनी आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, आपके चेहरे के ऊपर फाइन लाइन रिंकल्स नहीं आने देता है, सारे स्किन टाइप्स को जाता है। मुझसे अगर पूछते हो तो मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है हनी। मुझे ग्लिसरीन सूट नहीं करता इसलिए मैं ग्लिसरीन का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, बट अगर आपको ग्लिसरीन सूट करता है तो आप ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो तकरीबन 3 स्पून के करीब में अगर आपके पास पपाया का पल्प होता है तो आप 1 स्पून के करीब में हनी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। सेकेंड इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर आपको ऐड करना है दोस्तों, वो ऐड करना है या तो अगर आपके पास राइस फ्लावर है तो राइस फ्लावर का इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपके पास राइस फ्लावर नहीं है तो आप सैंडलवुड पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपके पास दोनों है तो आप दोनों ऐड कर सकते हो। अपने चेहरे के ऊपर आपको इसे लगाना है और आपको 15 से 20 मिनट तक रखना है, उसका ठंडे पानी से धो लेना है। अगर आप सिर्फ पपाया अपने चेहरे के ऊपर इस्तेमाल करते हो हनी डालकर के, तो आपको डेली इसे अपने चेहरे के ऊपर लगाना है, डेली 20 मिनट लगाएं और फेस को वॉश कर लें। सिर्फ 7 दिन में आपको आपकी स्किन में फर्क दिखेगा, इसकी मैं गारंटी लेती हूं। लेकिन अगर आप राइस फ्लावर या सैंडलवुड ये सब डाल करके अपने चेहरे के ऊपर लगाते हैं तो हफ्ते में सिर्फ 3 बार आपको लगाना है, उससे ज्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर सिर्फ पपाया और हनी डाल करके अपने चेहरे के ऊपर लगाते हैं तो आप अंडर आई भी लगा सकते हैं, आपकी स्किन लूज नहीं होगी, सैगी नहीं होगी, पफी आईज नहीं होगी, इन सब की परेशानी से आप दूर रहने वाले हैं। जब भी आप फ्री हो इस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके किसी काम आए, वीडियो अच्छा लग गया हो तो प्लीज अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अच्छा लग गया हो मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।